हेलो फ्रेंड्स, कुक विद नेत्रा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे महाराष्ट्रियन स्पेशल पोरन पोड़ी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसे मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चना दाल लेंगे। चना दाल मैंने यहाँ पर 2 कप लिया है। आप चाहो तो कोई ग्लास या कटोरी से भी इसे नाप कर ले सकते हो। देखिए, मैंने बिना पॉलिश वाली ली है, आप चाहो तो पॉलिश वाली भी यूज़ कर सकते हो। अब हम दाल में पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से हम 2 बार धो लेंगे। इसे हमें अच्छी तरह से 2 बार धोकर पानी को निकाल देना है। और फ्रेंड्स, कई लोग चना दाल को भिगा कर यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर बिना भिगाए चना दाल का पूरन बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 कप चना दाल लिया था, तो यहाँ पर मेजरमेंट के हिसाब से मैं 4 कप पानी लूँगी। अगर आपको आमठी बनाना है तो 1 कप और यूज़ कीजिए, और इसमें आप 1 कप पानी और ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है, जो मैंने दाल को धो लिया था ना, सब मैं कुकर में डाल दूंगी और इसे हम पका लेंगे। और यहाँ पर पानी नापने का मैं आपको एक तरीका दिखाती हूँ। ऐसे उंगलियों को हमने पानी के अंदर डाल दिया और जो एक कट से थोड़ा सा ऊपर हमें पानी चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा सा हम हल्दी डाल देंगे, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैंने कुकर को मीडियम फ्लेम पर लगा दिया था और हमारी दाल अच्छे से पक गई है। अब कुकर ठंडा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, ढक्कन को खोल लेंगे और देखिए हमारी दाल बढ़िया पक गई है। अब मैं इसे आपको दबाकर दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी तरह से गल गई है। यहाँ पर मुझे दाल पकाने के लिए आधे घंटे के करीब लग गया था। अब देखिए हमारी दाल बढ़िया अच्छे से पककर तैयार है। तो हम क्या करेंगे, जिस नाप से हमने चना दाल लिया था ना, उसी नाप से हम 2 कटोरी शक्कर ले लेंगे। अब हम गैस को ऑन करेंगे और शक्कर और जो दाल है ना, दोनों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इसे हमें मिलाते हुए 3 से 4 मिनट लग जाते हैं फ्रेंड्स। ये शक्कर और जो दाल है ना, अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए और अच्छे से गल जानी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे जो दाल में ना अच्छे से एक बाइंडिंग आ जाती है। अब यहाँ पर शक्कर अच्छे से घुल गई है, तो हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, आटे का डो तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक थाली ली है और 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी मैंने गेहूँ का आटा ले लिया है। आप चाहो तो सिर्फ गेहूं का आटा या मैदे से भी बना सकते हो। अब यहाँ पर बीच में मैंने एक गड्ढा कर दिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है और इस सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हम नॉर्मल पानी यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें पानी को थोड़ा थोड़ा करते हुए डालते जाना है और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना फ्रेंड्स, बस उसी तरह का हमें यहाँ पर आटा गूंदना है। तो हमारा आटा अच्छी तरह से गूंद चुका है, तो हम क्या करेंगे, उस पर हल्का सा तेल लगा देंगे और इसे एक बार मसल लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए हम रख देंगे। तब तक हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पर पूरन छानने के लिए मैंने एक छन्नी ली है। यहाँ पर हम एक छन्नी को रख देंगे, उसके नीचे एक पॉट रख देंगे और उसके अंदर हम जो पूरन का मसाला है ना फ्रेंड्स, वो डालेंगे। और यहाँ पर मैंने एक मैशर ले लिया है, इससे हम इसे ऐसे रगड़ेंगे। इससे क्या होगा, वो चलने से नीचे जो है ना, इसका पेस्ट गिरता जाएगा और एकदम फाइन पेस्ट निकलेगा फ्रेंड्स। अगर हम मैशर से करेंगे ना, तो क्या होता, कभी कभी एक एक दाल रह जाती है। इसीलिए आप भी इस तरह की छन्नी लीजिए, देखिए कितना फाइन पेस्ट निकल गया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई को रख देंगे। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है। अब इसके अंदर हम पूरन को डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम ये जायफल डालेंगे। जायफल से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैंने एक किसनी ले ली है, इससे हम ऐसे किस लेंगे। मैंने यहाँ पर आधा जायफल किस कर डाल दिया है। अब यहाँ पर हम 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और इस सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा डो है जो है ठंडा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसके बॉल्स बना लेंगे पूरन पोड़ी के लिए। तो आप छोटे बड़े जिस तरह के चाहिए उस तरह के बॉल्स बना सकते हो। ऐसे करके हम बॉल्स बना लेंगे। और मैंने यहाँ पर आटे की लोई भी तैयार कर ली है। जैसे हमारी पूरन की जो लोई है ना फ्रेंड्स, उससे हमारी आटे की जो लोई है छोटी होना चाहिए। हमें यहाँ पर पूरन का स्वाद ज़्यादा आना चाहिए, नहीं कि आटे का। फ्रेंड्स, जिस तरह से मैं इसमें स्टफिंग भर रही हूँ ना, जैसे हम कचौरी में भरते हैं ना फ्रेंड्स, उसी तरह से हमें भरना है। तो आप भी इस तरह से ही ऐसे ही भरिए, तो आपकी भी जो पूरन पोड़ी है ना, एकदम परफेक्ट और बिना फटे आराम से बन जाएगी। इसे हम बीच में ऐसे प्रेस कर लेंगे, इससे क्या होगा, हमारी स्टफिंग चारों तरफ अच्छे से फैल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसे ऐसे राउंड फिरा लेंगे और इसमें थोड़ा सा आटा लगा देंगे और हल्के हाथों से इसे हम बेल लेंगे। आप चाहो तो छोटे बड़े, आपको जिस साइज़ में चाहिए उस साइज़ में आप बेल सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूरन पोड़ी कितनी अच्छी तरह से घूम रही है,
बिल्कुल भी कहीं से फटी नहीं है, तो आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसे मैं आपको पास से दिखाती हूँ फ्रेंड्स, देखिए इसकी थिकनेस। अब यहाँ पर हमने गैस पर तवे को रख दिया है, तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो हमने पूरन पोड़ी को डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से घी को लगा देंगे। घी लगाने में आप बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। अब इसे हम ऐसे दबाते हुए इसे सेक लेंगे। अब हम दोनों तरफ से अच्छी तरह घी लगाकर इसे सेक लेंगे और देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरह से फूल गई है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए पूरन इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से इक्वली फैला हुआ है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, तो आप इसे एक रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके घर में कोई मेहमान आए या आपके यहाँ कोई त्यौहार है तो आप इसे ज़रूर बना के खाइए और सभी लोगों को खिलाइए, सब बहुत खुश हो जाएंगे। तो ऐसे ही करके मैंने सारी पूरन पोड़ी तैयार कर ली है। फ्रेंड्स अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो वो आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।